हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आ चुका हूँ आपके लिए बॉक्स फुल ऑफ स्टेशनरी कलेक्शन का वीडियो लेके गए। और हमेशा की तरह इस बॉक्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्टेशनरी आइटम का बिना स्किप करे पूरी वीडियो एंड तक देखना, फिर आप मुझे कमेंट करके बताना आज का आपको कलेक्शन कैसा लगा। गाइस वीडियो अच्छी लगे तो कर देना वीडियो को लाइक दोस्तों, और चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब कर रखा तो थैंक यू सो मच वी फैमिली तरफ से। तो चलो फटाफट इस बॉक्स को खाली करते, देखते इस बॉक्स में हमें किस तरह की स्टेशनरी आइटम मिलती है और क्या क्या चीजें मिलती है। तो सबसे पहले देखो दोस्तों, इसके अंदर मिलता है एक फ्लावर, ये देख सकते हो कितना जबरदस्त फ्लावर मिला है। और दोस्तों ये फ्लावर नहीं है, ये है एक फ्लावर वाला पैन, वो कैसे चलो दिखाता हूं। तो ये देख सकते हो आगे से ढक्कन खोलेंगे फिर इसकी टिप ओपन हो जाएगी, ये देख सकते हो फ्लावर वाला पैन है दोस्तों, काफी जबरदस्त। और जब दोस्तों मैं लिख रहा हूं तो ये देखो दोस्तों कितना अट्रैक्टिव लग रहा है, कितना जबरदस्त लग रहा है मेरे हाथों में ये फ्लावर वाला पैन। तो आपको ये फ्लावर वाला पैन कैसा लगा दोस्तों, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलो साइड रखते और देखते दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है और ऐसी चीज मिलती है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें ये क्या मिला दोस्तों, एक फ्रिज दोस्तों, और फ्रिज नहीं है, ये है एक फ्रिज वाला इरेजर, ये देख सकते हो फ्रिज लुक में इरेजर है, काफी जबरदस्त है, काफी अमेजिंग है दोस्तों। तो आपको ये फ्रिज वाला इरेजर कैसा लगा दोस्तों, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलो साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है और कैसी चीज मिलती है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें ये क्या मिली, टी कैटल दोस्तों, और ये दोस्तों कैटल नहीं है, ये भी है एक इरेजर कैटल लुक में, देख सकते हो काफी जबरदस्त और काफी अमेजिंग कैटल है दोस्तों, यानी इरेजर। तो आपको ये कैटल वाली इरेजर कैसी लगी दोस्तों, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलो साइड रखते और देखते दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है और कैसी चीज मिलती है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें ये क्या मिला, गैस्टर दोस्तों, ये दोस्तों गैस्टर नहीं है, ये है एक इरेजर गैस्टर वाला, देख सकते हो काफी जबरदस्त है। नीचे दोस्तों हमें होल मिल जाता है जिससे दोस्तों हम अपनी पेंसिल पे लगा लेंगे, फिर ये बन जाएगा पेंसिल टॉपर दोस्तों, काफी अच्छा है, काफी जबरदस्त है दोस्तों। गैस्टर वाला इरेजर भी दोस्तों मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। चलो साइड रखते और देखते दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है और कैसी चीज मिलती है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें ये क्या मिली दोस्तों, बाइक, अरे वाह काफी जबरदस्त बाइक है। और इस बाइक में तो दोस्तों हमें तीन तीन व्हील मिल जाते हैं, और ये बाइक नहीं है दोस्तों, ये है एक पेंसिल शार्पनर, वो कैसे पीछे दोस्तों हमें होल मिल जाते हैं, इसमें पेंसिल डालेंगे फिर पेंसिल को शार्प करेंगे और सारा कूड़ा इसी के अंदर भरेगा, बस हमें शार्पनर निकालना है फिर कूड़ा फेंक देंगे दोस्तों अच्छे से, काफी जबरदस्त बाइक वाला शार्पनर है। चलो साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है और कैसी चीज मिलती है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें ये क्या मिला दोस्तों, ये तो है एक डायनासोर का पाउच दोस्तों, चलो इस पाउच को ओपन करते हैं, देखते हैं इस पाउच में हमें क्या चीज मिलती है। और पाउच तो काफी जबरदस्त है, और यहां देख सकते हो एक जिप मिलता है, जिप को ओपन किया और इस पाउच में दोस्तों हमें काफी सारी चीजें देखने को मिलती है और सारी स्टेशनरी आइटम है। चलो वन बाय वन निकालते देखते क्या क्या चीजें मिलती है। सबसे पहले देखो दोस्तों इसके अंदर मिलती है हमें एक एचबी पेंसिल, गोल एचबी पेंसिल मिल जाती है, साइज काफी जबरदस्त है, और इस पेंसिल के ऊपर देख सकते हो डायनासोर लिखा और डायनासोर की काफी सारी पिक्चर भी बनी है इस पेंसिल के ऊपर। चलो साइड रखते और देखते क्या मिलता है इसके अंदर। तो इसके अंदर देख सकते हो दोस्तों हमें डायरी मिलती है, एक डायनासोर वाली काफी छोटी सी डायरी मिलती है, और ये है दोस्तों छोटी सी ड्रॉइंग बुक, देख सकते हो काफी अच्छी ड्रॉइंग बुक मिल जाती है इस पाउच के अंदर। और क्या मिलता है दोस्तों इसके अंदर, तो इसके अंदर देखो दोस्तों एक और पेंसिल मिल जाती है, ये देख सकते हो ये भी गोल एचबी पेंसिल है दोस्तों। चलो साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों इसके अंदर हमें क्या मिलता है। तो इसके अंदर देखो दोस्तों हमें मिलता है एक 15 सेंटीमीटर का रूलर, ये देख सकते हो 15 सेंटीमीटर का रूलर मिलता है, काफी अच्छा रूलर है दोस्तों, और रूलर पे भी डायनासोर लिखा है, काफी अच्छी क्वालिटी है दोस्तों, रूलर मिल जाता है। और एक मिलता है इसके अंदर शार्पनर, ये देख सकते हो येलो कलर का शार्पनर मिल जाता है। और क्या मिलता है इसके अंदर देखते हैं, तो इसके अंदर देखो दोस्तों हमें मिलती है एक डायनासोर की इरेजर, काफी अच्छी इरेजर मिल जाती है। और क्या मिलता है इसके अंदर, तो पाउच हो गया बिल्कुल खाली, और ये देख सकते हो ये कितना जबरदस्त पाउच है दोस्तों, सारा सामान निकालने के बाद देख सकते हो कितना अमेजिंग लग रहा है, नेट वाला पाउच है दोस्तों, काफी अच्छी क्वालिटी का दोस्तों पाउच, और सबसे अच्छी बात है काफी बड़ा है, और इस पाउच में हमारा काफी सारा स्टेशनरी आइटम भी आ जाएगा दोस्तों। चलो साइड रखते और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है और कैसी चीज मिलती है। तो ये है दोस्तों एक त्रिशूल, देख सकते हो काफी जबरदस्त त्रिशूल है, और ये त्रिशूल नहीं है, त्रिशूल लुक में इसमें मिलता है हमें एक पैन, वो कैसे चलो दिखाता हूं। तो इसका ढक्कन दोस्तों आगे से ओपन होगा, ये ढक्कन ओपन हो गया, और इसके अंदर का पैन देखो दोस्तों कितनी पतली टिप वाला पैन मिलता है, और ये देख सकते हो त्रिशूल है, काफी जबरदस्त त्रिशूल है। आपको त्रिशूल वाला पैन कैसा लगा दोस्तों, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलो साइड रखते और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है, कैसी चीज मिलती है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें मिलता है एक बीटीएस का गिलास, ये देख सकते हो गिलास मिलता है काफी अच्छा सा दोस्तों। और कौन कौन है दोस्तों बीटीएस आर्मी, प्लीज दोस्तों मुझे कमेंट करके जरूर बताना, बीटीएस आर्मी हो तो कर देना वीडियो को लाइक दोस्तों, अगर
बीटीएस आर्मी हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताना कौन कौन बीटीएस आर्मी है। तो ये देख सकते हो एक स्ट्रॉ मिल जाती है दोस्तों, और ये स्ट्रॉ नहीं है, ये है एक इरेजर, काफी अच्छी सी इरेजर है। नीचे दोस्तों हमें होल मिलता है, और ये दोस्तों होल नहीं है, ये है एक शार्पनर, ये देख सकते हो काफी अच्छा शार्पनर मिल जाता है इसके अंदर। तो ये है दोस्तों एक इरेजर प्लस शार्पनर सेट है बीटीएस के ग्लास लुक में दोस्तों, काफी अच्छा सा काफी शानदार सा। चलो साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है और कैसी चीज मिलती है। तो इसके अंदर देखो दोस्तों हमें मिलता है एक स्पाइडरमैन का पैन दोस्तों, ये काफी अच्छा पैन है। और ये देख सकते हैं पीछे दोस्तों हमें स्पिनर मिल जाता है, और स्पिनर में दोस्तों हमें पोपिड भी देखने को मिल जाती है। ढक्कन ओपन करते हैं तो ये देख सकते हो टिप काफी पतली टिप है दोस्तों, स्पाइडरमैन का पैन है। चलो साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें मिलता है एक एलओएल का पेंसिल पाउच, काफी अच्छा पेंसिल पाउच है दोस्तों। और सबसे अच्छी बात है ये पेंसिल पाउच इंक्रीज और डिक्रीज भी हो जाता है, ये देख सकते हो जितना मन उतना बड़ा कर सकते हैं दोस्तों इस पेंसिल पाउच को। काफी अच्छा पेंसिल पाउच है, इसमें एक जिप मिलती है, जिप पे दोस्तों पत्ती का निशान बना है। जिप को ओपन किया तो ये देख सकते हो इसके अंदर का स्पेस काफी अच्छा स्पेस है, काफी सारा स्टेशनरी आइटम आ जाएगा दोस्तों इस पेंसिल पाउच के अंदर। और मान लो दोस्तों इसके अंदर जैसे हमें स्केल रखना है, तो स्केल रखना है तो स्केल कितना बड़ा है, तो स्केल इतना बड़ा है तो इतना ही बड़ा दोस्तों पूरा खोल के इसके अंदर स्केल रख देंगे। मान लो छोटी चीज है तो इसे छोटा कर देंगे दोस्तों इस पेंसिल पाउच को। काफी अच्छा पेंसिल पाउच है इंक्रीज और डिक्रीज करने वाला। आपको कैसा लगा दोस्तों एलओएल का पेंसिल पाउच, प्लीज दोस्तों मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलो साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें मिलता है एक डोरेमोन की ज्योमेट्री बॉक्स दोस्तों, काफी अच्छी ज्योमेट्री बॉक्स है। और कौन कौन है दोस्तों डोरेमोन का फैन, प्लीज दोस्तों मुझे कमेंट करके जरूर बताना। आप देख सकते हो ज्योमेट्री बॉक्स के ऊपर दोस्तों हमें दो बटन मिलते हैं, साथ ही दोस्तों इसमें नेविगेशन मिलता है। इन दोनों बटन का यूज देखते हैं क्या यूज है। तो पहले बटन को दबाया तो शार्पनर ऊपर आ गया, सेकंड बटन को दबाते तो ये देखो दोस्तों साइड से बाहर कंपार्टमेंट आता है, देख सकते हो एक छोटा सा कंपार्टमेंट बाहर आ गया जिसमें दोस्तों हम अपनी इरेजर कुछ भी चीज रख सकते हैं। चलो ढक्कन ओपन करते हैं। ढक्कन ओपन करने से पहले दोस्तों इसका लॉक ओपन करना पड़ेगा, और लॉक क्या है 258 है, तो 2 को हम पहले सेट कर लेंगे, फिर 5 को सेट कर लेंगे दोस्तों इस तरह से, फिर 8 को सेट कर लेंगे, फिर ऊपर वाला ढक्कन खोलना है तो ऊपर वाले लॉक को दबाएंगे, फिर ऊपर वाला ढक्कन ओपन हो जाएगा। ये देख सकते हो ढक्कन खोलते ही कंपार्टमेंट मिलता है, और इस कंपार्टमेंट में हमें 1 2 3 4 पेंसिल लॉक मिल जाता है इस डोरेमोन ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर। ये देख सकते हो कि इसकी गहराई काफी अच्छी है, और काफी सारा स्टेशनरी आइटम भी आ जाएगा। चलो नीचे वाला ढक्कन खोलते हैं। तो नीचे वाले ढक्कन खोलने के लिए दोस्तों नीचे वाले लॉक को दबाना पड़ेगा, फिर नीचे वाला ढक्कन ओपन होगा। ये देख सकते हो ढक्कन ओपन हो गया, काफी अच्छी गहराई है दोस्तों ज्योमेट्री बॉक्स की। और इस कंपार्टमेंट में दोस्तों हमें टेबल देखने को मिल जाता है, गहराई काफी अच्छी होने की वजह से काफी सारे स्टेशनरी आइटम भी आ जाएगा इस डोरेमोन ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर। तो आपको डोरेमोन की ज्योमेट्री बॉक्स कैसी लगी दोस्तों, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलो साइड रखते और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें मिलता है एक पैन सेट दोस्तों, और इस पैन में दोस्तों हमें मिलेंगे 3 टिप दोस्तों, और वाह 3 टिप वाला पैन है। चलो देखते हैं ये 3 टिप वाला पैन कैसा और कैसा चलता है। तो इसके अंदर दोस्तों हमें 1 2 3 4 5 6 पैन मिलते हैं, तो एक पैन को निकाल लेते हैं। तो ये देख सकते हो इस पैन में दोस्तों हमें पिंक पर्पल और ऑरेंज कलर की टिप मिलेगी, सेकंड पैन में ये देख सकते हो ऑरेंज डार्क ब्राउन और गाइस येलो कलर की टिप मिलेगी। चलो इस पैन को चला के भी दिखाता हूं आपको। तो ये देख सकते हो पहले ढक्कन ओपन किया, और इसमें देखो दोस्तों हमें 2 तरह की टिप मिलती है, काफी जबरदस्त काफी अमेजिंग। सेकंड पैन को दिखाता हूं तो ये देख सकते हो इसमें भी गाइस हमें 3 टिप मिलती है, तीनों टिप अलग अलग है, और चलाते हैं तो तीनों टिप एक साथ चलते हैं, ये देख सकते हो काफी जबरदस्त पैन है, काफी अमेजिंग। तो आपको 3 टिप वाला कलरफुल पैन कैसा लगा दोस्तों, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो साइड रखते और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है और कैसी चीज मिलती है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें मिलता है एक बस वाली ज्योमेट्री बॉक्स है, ये तो काफी जबरदस्त है। यहाँ देख सकते हो दोस्तों नीचे 2 व्हील मिलते हैं, दोनों व्हील में दोस्तों हमें खाली कंपार्टमेंट मिलते हैं जिसमें दोस्तों हम एक में शार्पनर रख लेंगे और एक में इरेजर रख लेंगे, काफी अच्छी ज्योमेट्री बॉक्स है। चलो ढक्कन ओपन करते हैं, देखते कितना स्पेस है। ढक्कन ओपन किया तो एक कंपार्टमेंट है, इस कंपार्टमेंट की गहराई काफी अच्छी है, काफी सारा स्टेशनरी आइटम आ जाएगा दोस्तों। पीछे वाले ढक्कन को ओपन करते हैं, पीछे वाले ढक्कन को ओपन किया तो ये देख सकते हो यहाँ पे भी एक कंपार्टमेंट मिल जाता है, और इस कंपार्टमेंट की गहराई काफी अच्छी है, काफी सारा स्टेशनरी आइटम आ जाएगा। बस वाली ज्योमेट्री बॉक्स है, काफी सुंदर सी दोस्तों, काफी प्यारी सी। तो साइड रखते और देखते दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है और कैसी चीज मिलती है। इस बॉक्स में दोस्तों हमें मिलती है छोटा भीम की ज्योमेट्री बॉक्स, और ये ज्योमेट्री बॉक्स देख सकते हो कितनी लंबी ज्योमेट्री बॉक्स है। चलो ढक्कन ओपन करते हैं, ज्योमेट्री बॉक्स में देखते हैं कितना स्पेस है और कितना स्टेशनरी आइटम आ जाएगा दोस्तों। तो ढक्कन ओपन करते हैं, तो ढक्कन ओपन करते ही देख सकते हो एक कंपार्टमेंट मिलता है, और इस कंपार्टमेंट में 2 सेक्शन मिलते हैं। एक सेक्शन में दोस्तों 1 2 3 4 5 पेंसिल लॉक भी मिल जाता है, स्पेस काफी जबरदस्त है, काफी लंबी ज्योमेट्री बॉक्स है दोस्तों ये छोटा भीम की। चलो बंद करते हैं, पीछे वाले ढक्कन को ओपन करते हैं, पीछे वाले ढक्कन को ओपन किया तो ये देख सकते हो पीछे भी दोस्तों हमें एक कंपार्टमेंट मिलता है, इस कंपार्टमेंट की गहराई काफी अच्छी है, और काफी सारा स्टेशनरी आइटम आ जाएगा छोटा भीम ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर। बीच में देखो दोस्तों हमें
बीच में एक और कंपार्टमेंट मिलता है, और देखो दोस्तों बीच में दोस्तों हमें व्हाइट बोर्ड मिलता है, और एक साइड दोस्तों हमें अल्फाबेट देखने को मिल जाते हैं और काउंटिंग भी देखने को मिल जाती है। ये तो काफी जबरदस्त ज्योमेट्री बॉक्स है, काफी प्यारी, और इतना बड़ा व्हाइट बोर्ड दोस्तों मैंने वाकई में कभी भी नहीं देखा था। काफी जबरदस्त ज्योमेट्री बॉक्स है, छोटा भीम की ज्योमेट्री बॉक्स है। चलो साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है, कैसी चीज मिलती है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें ये क्या मिला दोस्तों, एक ट्रेन दोस्तों, ये ट्रेन नहीं है दोस्तों, ये है एक पेंसिल शार्पनर ट्रेन वाला। चलो देखते हैं ये ट्रेन वाला पेंसिल शार्पनर कैसा और कैसा चलता है दोस्तों, और कैसे यूज करते हैं इस पेंसिल शार्पनर को। ये देख सकते हो काफी जबरदस्त है, काफी अमेजिंग लग रहा है, पुराने इंजन लुक में दोस्तों ये पेंसिल शार्पनर है दोस्तों। और यहां दोस्तों हम पेंसिल को डालेंगे, फिर पेंसिल को शार्प करेंगे, और सारा कूड़ा जाएगा दोस्तों इसके बोनेट में। ये देख सकते हो आगे बोनेट मिलता है काफी बड़ा सा, ये देख सकते हो इसके अंदर कुछ इस तरह से हमारा पेंसिल का सारा कूड़ा भर जाएगा। देख सकते हो काफी जबरदस्त है, काफी अमेजिंग है। चलो साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है, कैसी चीज मिलती है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें ये क्या मिली दोस्तों, एक मछली वाला हाइलाइटर सेट दोस्तों। और चलो देखते हैं ये मछली वाला हाइलाइटर कैसा है, और कितने हाइलाइटर मिलते हैं, और किस तरह चलते हैं ये हाइलाइटर। ये देखो दोस्तों कितने जबरदस्त हाइलाइटर है, टोटल गाइस हमें 4 हाइलाइटर मिलते हैं। तो ये देखो दोस्तों ये कितनी जबरदस्त लग रही है मछली दोस्तों, और ये मछली नहीं ये है एक हाइलाइटर, वो कैसे चलो दिखाता हूं। तो आगे दोस्तों इसकी मछली के फेस को खींचेंगे तो ढक्कन ओपन हो जाएगा, और इसके अंदर मिलता हमें येलो कलर का हाइलाइटर। ये देख सकते हो टिप काफी जबरदस्त, और ये देखो दोस्तों कितना खूबसूरत और कितना प्यारा है दोस्तों ये हाइलाइटर, काफी जबरदस्त है, क्वालिटी तो वाकई में काफी जबरदस्त है। मछली वाला हाइलाइटर आपको कैसा लगा दोस्तों, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है और कैसी चीज मिलती है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें मिलता है एक पेंसिल पाउच दोस्तों, काफी मोटा पेंसिल पाउच है। चलो जिप ओपन करते हैं, देखते हैं इसके अंदर कितना स्पेस है और कितना स्टेशनरी आइटम आ जाएगा दोस्तों। तो जिप को ओपन किया तो ये देखो दोस्तों अंदर का इंटरफेस कितना जबरदस्त है, और इसके अंदर देखो दोस्तों हमें मिलता है एक बेल्ट। ये देख सकते हो इस बेल्ट के दोनों कोने पे दोस्तों हमें लॉक मिल जाता है, इन दोनों लॉक को दोस्तों इस जगह लगा लेंगे फिर ये पाउच बन जाएगा एक पर्स लुक में दोस्तों। ये तो काफी जबरदस्त पेंसिल पाउच है, और ये देख सकते हो दोस्तों इसमें हमें एक पॉकेट और दो पॉकेट और मिल जाती है, यानी दो दो पॉकेट मिल जाते हैं। बीच का स्पेस देख सकते हो कितना जबरदस्त है, काफी सारा स्टेशनरी आइटम आ जाएगा इस पेंसिल पाउच में। देख सकते हो काफी कलरफुल पेंसिल पाउच है। चलो साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है और कैसी चीज मिलती है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें मिलती है प्रिंसेस की ज्योमेट्री बॉक्स, ये भी काफी सुंदर ज्योमेट्री बॉक्स है, काफी प्यारी है। यहाँ देख सकते हो दोस्तों हमें कैलकुलेटर मिल जाता है इस ज्योमेट्री बॉक्स में फ्रंट में ही, और यहाँ देखो दोस्तों हमें मिल जाता है एक गेम। ये देख सकते हो इस ज्योमेट्री बॉक्स में हमें गेम मिल जाती है, और इस गेम से हम अपने दोस्तों के साथ बैटल भी कर सकते हैं और अपना टाइम पास भी कर सकते हैं इस ज्योमेट्री बॉक्स के साथ। यहाँ देख सकते हो एक बटन मिलता है, इस बटन पे ओपन लिखा है, तो इस बटन को दबाया तो ये देखो दोस्तों ज्योमेट्री बॉक्स ऑटोमेटिक ओपन हो गई। ये देख सकते हो बटन दबाते ही ये ज्योमेट्री बॉक्स ओपन हो जाती है। ये देख सकते हो कंपार्टमेंट है, और इस कंपार्टमेंट में दो सेक्शन है, एक छोटा सेक्शन मिलता है, काफी बड़ा सेक्शन है, और बीच में दोस्तों हमें काफी बड़ा एक पेंसिल लॉक मिल जाता है। ये देख सकते हो, और इस पेंसिल लॉक में दोस्तों हम 1 2 3 4 5 6 पेंसिल को लॉक करके रख सकते हैं। वाकई में काफी बड़ा पेंसिल लॉक मिल जाता है इस ज्योमेट्री बॉक्स में। ये तो काफी सुंदर ज्योमेट्री बॉक्स है, काफी प्यारी है। आपको कैसी लगी है दोस्तों प्रिंसेस की ज्योमेट्री बॉक्स, प्लीज दोस्तों मुझे कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें मिलते हैं ज्योमेट्री बॉक्स, ये ज्योमेट्री बॉक्स भी काफी अच्छा है, और इस ज्योमेट्री बॉक्स में दोस्तों हमें 3-3 गियर मिलते हैं, और इन तीनों गियर का यूज किया वो आगे दिखाऊंगा। तो चलो ढक्कन ओपन करते हैं। ढक्कन को ओपन करने से पहले दोस्तों इसमें दोस्तों हमें मिलता है एक रूलर, ये देख सकते हो 20 सेंटीमीटर का रूलर मिल जाता है, और इस रूलर में हमें 1 2 3 4 5 सर्कल मिलते हैं। इन सर्कल की सहायता से दोस्तों हम इस ज्योमेट्री बॉक्स के व्हाइट बोर्ड पे कुछ इस तरह के डिजाइन बना सकते हैं। ये देख सकते हो इस ज्योमेट्री बॉक्स के ऊपर दोस्तों हमें एक व्हाइट बोर्ड भी मिल जाता है। तो ढक्कन ओपन करते हैं, ढक्कन ओपन करते ये देख सकते हो इस ज्योमेट्री बॉक्स में हमें 3 सेक्शन मिलते हैं। एक सेक्शन में हमें एक पेंसिल लॉक मिल जाता है, एक काफी बड़ा सेक्शन मिलता है, एक छोटा सा सेक्शन मिलता है जिसमें गाइस हम अपने छोटी छोटी स्टेशनरी आइटम रख सकते हैं। एक दोस्तों हमें मार्कर मिल जाता है, इस मार्कर की सहायता से हम अपने व्हाइट बोर्ड पे कुछ भी वर्क कर सकते हैं दोस्तों। काफी अच्छी ज्योमेट्री बॉक्स है, काफी जबरदस्त है। चलो साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है, कैसी चीज मिलती है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें मिलते हैं डोरेमोन की ज्योमेट्री बॉक्स, ये देख सकते हो काफी अच्छी ज्योमेट्री बॉक्स मिलती है। चलो देखते हैं इस ज्योमेट्री बॉक्स में कितना स्पेस है, कितना स्टेशनरी आइटम आ जाएगा। तो ऊपर ढक्कन ओपन करते हैं, ढक्कन ओपन करते हैं कंपार्टमेंट है, और इस कंपार्टमेंट में दोस्तों दो सेक्शन है, और एक सेक्शन में दोस्तों हमें 1 2 3 4 पेंसिल लॉक भी मिल जाता है, स्पेस काफी अच्छा है। चलो बंद करते हैं, पीछे वाले ढक्कन को ओपन करते हैं। तो पीछे वाला ढक्कन देखो दोस्तों किस तरह ओपन होगा। तो ये देखो दोस्तों काफी अच्छे तरह से ये ओपन होता है, और यहाँ देख सकते हो कंपार्टमेंट है, इस कंपार्टमेंट में दो सेक्शन है, देख सकते हो काफी जबरदस्त ज्योमेट्री बॉक्स है। यहाँ देख सकते हो दोस्तों एक और ढक्कन मिल जाता है, यानी दो दो ढक्कन और मिल जाते हैं ज्योमेट्री बॉक्स में। ये देख सकते हो इसमें दोस्तों हमें काफी अच्छा स्पेस मिल जाता है, छोटा छोटा स्टेशनरी आइटम रख सकते हैं इस वाले कंपार्टमेंट के अंदर दोस्तों। चलो इसे बंद कर देते हैं। तो
फोर्थ ढक्कन को खोलते हैं तो ये देखो दोस्तों फोर्थ ढक्कन को खोला तो यहाँ पे भी काफी अच्छा स्पेस है, काफी सारा स्टेशनरी आइटम आ जाएगा दोस्तों, छोटा छोटा सा दोस्तों, काफी अच्छी ज्योमेट्री बॉक्स है, डोरेमोन की ज्योमेट्री बॉक्स है। चलो साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स से हमें क्या मिलता है, कैसी चीज मिलती है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें मिलता है डोम्स की एक न्यून प्राइम किट दोस्तों, और ये प्राइम किट कितने की आती है, 20 रुपीज की प्राइम किट आती है। चलो देखते हैं 20 रुपीज में हमें क्या क्या चीजें मिलती है और कितनी चीजें मिलती है। तो सबसे पहले देखो दोस्तों इसके अंदर मिलता है हमें एक रूलर, ये देख सकते हो 15 सेंटीमीटर का रूलर मिल जाता है, जिसके प्राइस की बात करें तो ये आता है 7 रुपीज का रूलर, देख सकते हो डोम्स का रूलर मिल जाता है इसके अंदर। और क्या मिलता है तो इसके अंदर देखो दोस्तों हमें मिलते हैं एक गोल कलरफुल इरेजर, ये देख सकते हो काफी अच्छी इरेजर मिल जाती है, और जंबो इरेजर मिलती है दोस्तों इस किट के अंदर। और देखते हैं दोस्तों क्या मिलता है इसके अंदर, तो इसके अंदर ये देखो दोस्तों हमें मिलता है एक हाईलाइटर यानी एक स्केच पेन दोस्तों, ये देख सकते हो काफी अच्छा स्केच पेन मिल जाता है हाईलाइटर लुक में दोस्तों। चलो साइड रखते हैं और देखते हैं क्या मिलता है इसके अंदर, तो इसके अंदर दोस्तों हमें मिलती है न्यून पेंसिल, देख सकते हो काफी कलरफुल ग्रीन कलर की न्यून पेंसिल मिल जाती है। और क्या मिलता है इसके अंदर, तो इसके अंदर देखो दोस्तों हमें एक जंबो शार्पनर मिल जाता है, देख सकते हो काफी अच्छा शार्पनर मिल गया। और क्या मिला तो इसके अंदर देखो दोस्तों एक और गाइस हमें पेंसिल मिल जाती है, और ये पेंसिल है ऑरेंज कलर की, और ये देख सकते हो दोस्तों हमारे देश का झंडा बन गया ऑरेंज और ग्रीन कलर से, देख सकते हो काफी जबरदस्त है और क्वालिटी काफी जबरदस्त है। इस पेंसिल की साइज की बात करें साइज भी काफी अच्छा है इस पेंसिल का दोस्तों। चलो साइड रखते और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है और कैसी चीज मिलती है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें मिलता है मरमेड प्रिंसेस की ज्योमेट्री बॉक्स, ये देख सकते हो काफी अच्छी ज्योमेट्री बॉक्स है, और इसका लॉक देखो दोस्तों कितना डिफरेंट है। इसके लॉक को दोस्तों इस तरह स्लाइड करेंगे फिर इसका ढक्कन ओपन होगा, ढक्कन ओपन होते ही देख सकते हो अंदर का इंटरफेस कितना जबरदस्त है। एक कंपार्टमेंट है, इस कंपार्टमेंट दो सेक्शन है, यहां देखो दोस्तों व्हाइट बोर्ड मिलता है, व्हाइट बोर्ड पे दोस्तों हमें टेबल देखने को मिल जाते हैं, व्हाइट बोर्ड देख सकते हो दोनों साइड से हम इस व्हाइट बोर्ड पे कुछ भी वर्क कर सकते हैं। और इधर भी दोस्तों हमें एक कंपार्टमेंट मिल जाता है जिसमें गाइस काफी अच्छा स्पेस है, काफी सारा स्टेशनरी आइटम आ जाएगा दोस्तों, काफी अच्छी ज्योमेट्री बॉक्स है मरमेड प्रिंसेस की ज्योमेट्री बॉक्स है। सबसे अच्छा दोस्तों मुझे इसका लॉक लगा, इसके लॉक को बस इस तरह स्लाइड करेंगे फिर ये ज्योमेट्री बॉक्स ओपन हो जाएगी दोस्तों। चलो साइड रखते और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है और कैसी चीज मिलती है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें मिलता है एक शूज, ये देख सकते हैं शूज मिलता है, और शूज पे दोस्तों हमें सीक्वेंस देखने को मिल जाती है, देख सकते हो काफी सारे सीक्वेंस मिल जाते हैं जिससे, और सीक्वेंस से खेलना मुझे बहुत ज्यादा पसंद है दोस्तों। बीच में दोस्तों एक जिप मिलती है, जिप को ओपन किया तो देख सकते हो दोस्तों इसमें काफी अच्छा स्पेस है, काफी सारे स्टेशनरी आइटम आ जाएगा, और नीचे भी दोस्तों हमें जिप मिलती है यानी सोल में जिप मिल जाती है। तो इस जिप को भी ओपन किया तो यहाँ देखो दोस्तों यहाँ पे भी एक कंपार्टमेंट है, और इस कंपार्टमेंट में दोस्तों हमारा काफी सारे स्टेशनरी आइटम आ जाएगा दोस्तों। काफी अच्छा दोस्तों ये पाउच है, पेंसिल पाउच है, शूज लुक में पेंसिल पाउच है दोस्तों। चलो साइड रखते और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें मिलते हैं थॉर की ज्योमेट्री बॉक्स, ये देख सकते काफी अच्छी ज्योमेट्री बॉक्स है। चलो ढक्कन ओपन करते हैं, ढक्कन ओपन करते ही देख सकते हो ट्रे है, ट्रे पे हमें 1 2 3 4 पेंसिल लॉक मिल जाता है, ये देख सकते हो, और ट्रे को हटाते तो नीचे एक और कंपार्टमेंट मिलता है। इस कंपार्टमेंट की गहराई काफी अच्छी, काफी सारा स्टेशनरी आइटम आ जाएगा दोस्तों थॉर की ज्योमेट्री बॉक्स से। चलो साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है, कैसी चीज मिलती है। तो इसके अंदर मिलता है हमें बास्केट स्टेशनरी सेट दोस्तों, अरे वाह काफी अच्छा स्टेशनरी सेट है बास्केट बॉल वाला दोस्तों। चलो देखते हैं कैसा स्टेशनरी सेट है और कैसे तरह का सेट है और क्या क्या चीजें मिलती है इसके अंदर और कितनी आइटम मिलती है। वैसे इसके अंदर दोस्तों हमें 2 पेंसिल मिलेगी, 4 इरेजर मिलेगी और 1 शार्पनर मिलेगा। चलो आपको दिखाता हूँ 1 by 1। तो ये देखो दोस्तों सबसे पहले तो इसके अंदर मिलती है 2 पेंसिल, 2 गोल वुडन पेंसिल मिल जाती है, साइज काफी अच्छा है, दोनों पेंसिल के ऊपर बास्केटबॉल के फोटो छपी है दोस्तों काफी जबरदस्त। चलो साइड रखते हैं और क्या मिलता है इसके अंदर, तो इसके अंदर देखो दोस्तों हमें मिलती है एक बॉल, ये देख सकते हो बास्केटबॉल मिल जाती है काफी अच्छी सी, और ये है एक इरेजर बॉल लुक में काफी सुंदर सी दोस्तों, काफी प्यारी सी। और क्या मिलता है इसके अंदर दोस्तों, हमें कंटेनर मिल जाता है, और ये दोस्तों कंटेनर नहीं है, ये है एक शार्पनर, ये देख सकते हो कंटेनर वाला शार्पनर है काफी अच्छा था दोस्तों। और क्या मिलता है इसके अंदर, तो इसके अंदर ये देखो दोस्तों हमें एक इरेजर ये मिल जाती है, और ये देख सकते हो एक ये इरेजर मिल जाते हैं, और ये देख सकते हो बास्केट है, और ये देखो दोस्तों हमें क्या मिला है, ये देख सकते हो, ये देखो दोस्तों कितनी बड़ी इरेजर मिली है, और ये देखो दोस्तों इस स्टेशनरी बॉक्स में हमें एक पिच भी मिल जाती है बास्केटबॉल की काफी जबरदस्त, यानी ये बास्केटबॉल बन जाएगी। वो कैसे, तो इस पेंसिल को दोस्तों हम इस जगह घुसाएंगे अच्छे से, देख सकते हो इस जगह घुसा दी, और इस पेंसिल को दोस्तों इस नीचे वाले स्टैंड में घुसा देंगे, और इसे दोस्तों बास्केट को दोस्तों हम इस जगह लगा देंगे, ये देख सकते हो, ये देखो अच्छे से लगा देंगे हम, और ये बन गया बास्केटबॉल स्टैंड दोस्तों, और फिर हम अपने दोस्तों के साथ बैटल खेल सकते हैं कुछ इस तरह से। ये देखो दोस्तों पिच हमें मिली जाती है। ये बास्केटबॉल स्टेशनरी सेट तो वाकई में मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, आपको कैसा लगा दोस्तों प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। चल साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है। तो बॉक्स हो गया खाली, आज इस बॉक्स में दोस्तों हमें एक से बढ़कर एक स्टेशनरी आइटम मिली। आपको सबसे अच्छी चीज क्या लगी दोस्तों प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगे तो कर देना वीडियो को लाइक। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी वीडियो के साथ, अच्छे से कलेक्शन के साथ, अच्छे से अनबॉक्सिंग के साथ। जब तक बाय बाय दोस्तों।